तो हेलो दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले अचानक बेंगलोर पहुंचा मुंबई इंडियंस का ये दिग्गज। अब हार्दिक पांड्या की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। मुंबई का दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल 2024 से पहले बेंगलुरु पहुंच गया है, जिससे ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इस बीच खबर फैल रही है कि ये दिग्गज खिलाड़ी आरसीबी ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला ये जानने से पहले, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की टीम खूब सुर्खियों में है। मुंबई इंडियंस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच धर्मशाला टेस्ट मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे। अब वह मुंबई के लिए वापसी करेंगे या फिर नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। इसके बाद भारत के मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को लेकर अपडेट आई है कि वह भी आईपीएल 2024 के शुरुआती दो मुकाबले मिस कर सकते हैं। अब एक और खबर ने हार्दिक पांड्या की टेंशन बढ़ा दी है। आईपीएल शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस का दिग्गज खिलाड़ी बेंगलोर पहुंच गया है। फैंस द्वारा इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने वाला है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मुकाबला 24 मार्च को गुजरात के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में एक और जहां मुंबई इंडियंस के फैंस आईपीएल को लेकर काफी उत्साहित हो रहे हैं, दूसरी ओर मुंबई के कई खिलाड़ी एक के बाद एक करके हार्दिक पांड्या को झटका देते जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस का दिग्गज तेज गेंदबाज जोफ्रो आर्चर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह फिलहाल आईपीएल नहीं खेलने वाले हैं। खिलाड़ी को कोहनी में चोट लगी थी, जिसका उन्होंने सर्जरी करवाया है। इसी कारण से खबर आई थी कि वह फिलहाल आईपीएल नहीं खेलते दिखेंगे, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले आर्चर का बेंगलोर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। जोफ्रा आर्चर के बेंगलोर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया फैंस के बीच हवा फैल रही है कि यह खिलाड़ी आईपीएल 2024 में वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा फैंस का यह भी कहना है कि यह खिलाड़ी अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में शामिल हो सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन आर्चर ने बेंगलोर पहुंचकर कई सवालों को जन्म जरूर दे दिया है। अगर आर्चर फ्रेंचाइजी बदलते हैं तो हार्दिक पांड्या को इससे बड़ा झटका लगने वाला है। मुंबई के तमाम दिग्गज खिलाड़ी एक के बाद एक करके किसी न किसी कारण से खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।